अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आज की वीडियो में। और आपका अपना यूट्यूब चैनल माई मास्टर क्रिकेट कोच और सभी अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बात वही करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट मैच है उसमें सभी साहब आप खुद ही कंक्लूड कर दीजिए। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के 244 और दो विकेट बाकी है, यासिर शाह खड़े हुए हैं, 15-20 रन और ऐड कर लेंगे। तो पहले तो आप पाकिस्तान की बॉलिंग पे पहले बात कर लें, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने बैटिंग में कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है सबके सामने है, बड़ा मायूस किया दूसरी इनिंग्स में, तो ये कहाँ पे ब्लंडर हो गया और क्यों ऐसा हो गया? देखिए, पहले तो पाकिस्तान की बॉलिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने जब सुबह कल बॉलिंग स्टार्ट की है तो पहले घंटे में जो मुझे थोड़ा सा लगा है कि वो पाकिस्तान थोड़ा डिफेंसिव था, हाल दो के इंग्लैंड को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और पहले घंटे में 19 स्कोर दिया, लेकिन एक्चुअली वहां पे हमें विकेटों की जरूरत थी। ठीक है, वहां पे अर्ली ऑन हमें एक दो विकेटें लेते तो फिर शायद 200 स्कोर इंग्लैंड ना करता। सही है। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने जब स्पिन बॉलिंग स्टार्ट की, यासर शाह ने कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। सही है, बड़ा अच्छा उसने बॉल को लूप दिया, स्पिन हुआ, बॉल को बाउंस हुआ, और इस सारी इनिंग्स के अंदर जो जहां पे पाकिस्तान ने थोड़ा सा लैग किया वो कैप्टनशिप थी। अजहर अली को कल जो है वो उसको जल्दी लेके आना चाहिए था, शादाब खान को वो थोड़ा लेट लेके आया। आप देख रहे हैं कि आपने 170 पे 8 आउट कर दिए, अब आपको दो विकेटें फौरी चाहिए। 49 रन जो है वो आखिरी दो विकेटों ने पाकिस्तान के ऊपर किया है, जो इस वक्त पाकिस्तान को अब वो भारी लगेगा। अगर वहां पे शादाब खान ने आते 3 ओवर में 2 आउट कर दिए, उस वक्त यही चीज होती है जो कि एक किसी भी कप्तान ने असेस करनी होती है कि इस वक्त मुझे क्या रिक्वायर्ड है। अगर मुझे फास्ट बॉलर से आउट, क्योंकि जब टेल एंडर्स होते हैं तो स्पिनर्स को क्या था कि उनको उसको बना के खेलना था। सही है, फास्ट बॉलर को एज लग गया या इधर से चला गया या एक आधी किसी ने चला दी तो एक एक्स्ट्रा जो है ना प्रेशर पाकिस्तान ने अपने ऊपर लिया है जो 49 रन। मैं हमेशा पहले भी आपको शो में मैंने ये बात की कि पाकिस्तान को जो टेल एंडर्स को जल्दी से जल्दी आउट करना है, जो कि पाकिस्तान कल कर सकता था, पाकिस्तान ने वो थोड़ा मिस किया और 49 रन आखिरी दो विकेटों के ऊपर बहुत ज्यादा वो करवा दिए। तो ये बाहर से जो एक आर्मीज ऑफ कोच है, कोचिज है, वो तो कोई मैसेज वगैरह क्यों नहीं बाहर से भेजा कि आप ये चेंज करके देखें, कुछ मशवरा, कुछ बाहर से, जाहिर है इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई एनालिस्ट वगैरह कुछ बता देते कि भाई चलो अंदर अगर समझ नहीं आ रही, कोई मैसेज भेजवा दें बाहर। बिल्कुल, देखें बाहर जो भी आपकी मैनेजमेंट बैठी होती है, मैं भी जब बाहर एज ए कोच बैठा होता था तो यही चीजें मैं देख रहा होता था कि भाई आप जो भी अंदर कप्तान कर रहे हैं तो वो क्या उसकी जरूरत है, कप्तान मिस भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए जो कोचेज हैं वो ये चीज मिस नहीं करते हैं। फौरी तौर पे मैसेज जाना चाहिए था कि आप जो है ना दोनों तरफ से स्पिनर्स ले आओ, क्योंकि देखिए टेल एंडर्स को जो बैट्समैन का स्पिनर को खेलना और फिर टेल एंडर्स का स्पिनर को खेलना, ब्रॉड था वो मारता चला के खेलता ना, उसके पास आपके पास चांस था कि आप फील्डिंग ऐसी सेट करते ब्रॉड के लिए डिफेंस एंड अटैक, और उसके लिए मैसेज बाहर से लाजमी जाना चाहिए था। सही है, ठीक है जी, हमने थोड़े रन एक्स्ट्रा दे दिए, फिर भी हमने 107 रन की लीड ली, जो कि आप सही कह रहे हैं 135-140 150 तक भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी इट्स नॉट बैड। 107 की लीड, 107 रन की ऑन दिस पिच, हाँ एक बड़ी हैंडसम जो है ना वो लीड थी। हाँ, अब वही लीड जो है इस वक्त पाकिस्तान को बचाए हुए। हाँ बिल्कुल, जो पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में जिस तरह की बैटिंग की है, 137 पे 8 आउट हो चुके हैं और यासिर शाह मौजूद हैं, अब देखो कि वो कितने, कोई 15-20 अगर और मजीद रन ऐड करते हैं। ओवरऑल 244 की एट द मोमेंट लीड है, और जैसे कह रहे हैं कि पहली इनिंग्स में जो लीड लिया पाकिस्तान ने वही अभी तक मैच में बनाए हुए पाकिस्तान को, वरना जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है तो ये क्यों कोलैप्स हो गया, और जिस तरह की शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं खासतौर पर आबिद अली, हालांकि उनका एक कैच भी छूटा स्लिप में, तो फिर भी जब उन्होंने 40-50 गेंदे खेल ली, अजहर अली के साथ भी यही है, जब उन्होंने 50 से ज्यादा गेंदे खेल ली तो फिर क्यों इस तरह की शॉट्स खेल के ये आउट हुए? देखिए, मैं हमेशा इतने अरसे से मैं क्रिकेट में हूँ, एज ए कोच भी जब मैं खेलता भी था, तो थर्ड इनिंग जो होती है वो ऑलवेज बड़ी डिसाइडिंग और बड़ी डिफिकल्ट इनिंग होती है। सही है, वो क्यों होती है कि आपने आइदर लीड ली भी होती है या आपने लीड दी भी होती है। सही है, तो कल एक्चुअली हुआ ये है कि पाकिस्तान थोड़ा सा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन में चला गया कि वो अचीव। देखिए, आपने इंग्लैंड को जो कि 3 टेस्ट मैच खेल के आ रहा था, सीरीज जीत के आ रहा था,
हम सब ये कह रहे थे कि इंग्लैंड को जो है वो एज है पाकिस्तान के ऊपर फॉर्म में, पाकिस्तान ने लेकिन अच्छा खेला, पाकिस्तान ने उनको आउट किया और लीड ली। सही, वो जो एक सेटिस्फेक्शन थी वो रिफ्लेक्ट की इन द बैटिंग। आप देखें कि शान मसूद जो आउट हुआ है बिल्कुल कैजुअल खेला है, ठीक है, जिस तरह वो फर्स्ट इनिंग में उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, एक एक बॉल को वो सूंघ के खेल रहा था, एक एक बॉल पे वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहा था, वो बड़ा लूज शॉट उसने डाउन द लेग साइड खेला। आबद अली के ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर था। देखिये, आप इस तरह की जब पिच पे आप खेल रहे होते हैं और जब इस तरह की आप टॉप बॉलिंग को खेल रहे होते हैं, आपने प्ले एंड मिस होना ही होना है, ठीक है, अब उसका आपको प्रेशर नहीं लेना है। यही चीज हम अपने बैट्समैनों को बताते हैं कि जो एक प्रीवियस बॉल हो गया है उसके अंदर नहीं रहना है, सही है। आपने अगले बॉल को अब देखना है, प्ले एंड मिस फॉरगेट दैट हिस्ट्री, चला गया पीछे बॉल, अब क्या है, अब नेक्स्ट बॉल मैंने अपना कितना कमांडिंग के साथ खेलना है। जो उसने मिस किया और उस वक्त वो ऑलमोस्ट बॉलिंग चेंज करवा दी हुई थी, देखे ना अजहर अली ने, उसने अब एक एंड से स्पिनर आ गया हुआ था। जी हाँ, जब स्पिनर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने एक एंड अपना अपनी बैटिंग के साथ आपने सेव कर लिया। सही है, अब आपने दूसरे एंड पे जो है ना वो आपने उसको अब मैनेज करना है, दूसरे एंड पे जो भी फास्ट बॉलर लगा हुआ है तो उसके ऊपर वहां पे उसने स्पिनर को इतनी अननेसेसरी हिट मारी है जिसकी वहां पे जरूरत नहीं थी। सिर्फ क्या है, उसने कहा कि स्पिनर आ गया, मैं 15-20 रन क्विकली इसके ऊपर कर लूं, उसके अंदर वो आउट हो गया, जिसकी जरूरत नहीं थी, उसको लंबा लेके जाना चाहिए था। फिर अजहर अली की आप देखें, अब अजहर अली पिछले कितने टेस्ट मैचेस, मैं वही कहता हूं कि जितने भी हमारे मैनेजमेंट है या कोई भी है, अब अजहर अली की ये शॉट बंद करवा देनी चाहिए पाकिस्तान के बैटिंग कोच को, पाकिस्तान के सीनियर कोच को, हेड कोच को, अजहर भाई तू इस तरह कितनी दफा उसको वीडियो दिखाए उसको करें कि तुम ये क्रॉस खेलते हो, कितनी दफा आउट हो रहे हो, ठीक है, अब वो थोड़ा सा वॉक करके अंदर आ रहा था बिल्कुल विकेटों के वो सामने, मुझे उस वक्त ही डर लग रहा था कि इसको गेंद लगा तो इसने आउट हो जाना है। तो ये चीज है, यही बैट बैठ के आप असेस करते हैं, आपके एनालिस्ट है कुछ है कि भाई आपने सीधे बैट से खेलना, सही बात, आपने ये क्रॉस खेलना बंद कर एक्चुअली, क्योंकि वो इधर जा रहा था, जब इधर जाता है ऐसे खेलना मुश्किल है, वो फिर ऐसे ही बैठ जाता है, उसमें वो आउट हो गया। और फिर जो सबसे जो मैं कहता हूं कि डिजास्टर किया है वो असद शफीक ने किया है, इन्हें टेस्ट मैच आपको रन आउट, और फिर इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान को आपसे 30-35-40 रन 50 रन की जरूरत है, आपको वहां पे फिर आपकी अपनी विकेट रन आउट होगी, बॉलर आपको आउट करे तो जस्टिफाई करता है, आपने अपनी विकेट खुद दे दी। अब इसमें किसी को ब्लेम करना, मैं देख रहा था लोग जो और जमान ने अंदर आया बा उसको यस किया नो किया, नो, इन माय थ्योरी जो रन आउट होता है वो 100% उसका अपना कसूर होता है। सही है, ठीक है, इसलिए किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। वो भी क्यों रन आउट हुआ, देखिए ये भी आपको मैं एक चीज बताऊं कि हम एज ए कोच बाहर से ये चीजें बड़ी असेस करता हूं, जब प्लेयर थोड़ा सा नर्वस हो, प्लेयर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल ना हो अगेंस्ट द बॉलिंग, फिर ऐसे रखेगा यस 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 रखेगा यस 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 कि अपने आप को थोड़ा सा उस नर्वसनेस से निकालने के लिए, उसमें आप फिर मिस्टेक करते हैं। वही हुआ, आप देखे बार बार वो रख के भागने के चक्कर में था, जहर पार्टनर ने फिर उसको रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, आपने अपनी विकेट गवा दी है। बिल्कुल सही बात है, और वहां पे जब वो रन आउट हुए हैं पाकिस्तान, फिर भी स्टेबिलिटी आ गई थी आपके, मतलब अभी भी 100 से ऊपर रन थे और 60-70 रन की रिजवान आपको चाहिए थी पार्टनरशिप। सही बात, ठीक है, आप इस वक्त 200 पे कंफर्टेबली प्लेस होते, ठीक है, आपका जो मैच है वो इवन है। सही है, आप सारे अलग है, आप लोग भी कह रहे हो और जितने भी लोग, और मैं कल रात को देख रहा था कि 244 इज एनफ, नो, इंग्लैंड ने एक कमबैक किया। सही है, बड़ी टीम है इंग्लैंड, ने एक जो है वो एक मॉरली अपने आप को वापस गेम में लेके आ गए हैं। सही है, ठीक है, प्रेशर किसके ऊपर, अब मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान पे प्रेशर है, पाकिस्तान की बॉलिंग पे प्रेशर आएगा, अगर 300+ वो कर रहे होते चेज इज अ डिफरेंट बॉल गेम। सही है, अगर वो 250-60 है तो यू नीड वन गुड इनिंग, एक उनके पास बैट्समैन ऐसे है, मतलब बटलर है, डिस्ट्रॉयर है, बेन स्टोक है, रूट है, जो लंबा खेल सकता है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आप ये ना कहें कि जी की और हैप्पीली प्लेस्ड कि आपके 244 स्कोर है या 250 है या 255 है तो आप जो है ना वो विनिंग पोजीशन में है, नो, यहाँ पे सिर्फ अगर जो इंग्लैंड का जो कप्तान है या इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है उनको अपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत जो है वो एडजस्टमेंट की जरूरत है, आपको एडजस्ट करना है,
अकॉर्डिंग टू दी बॉलिंग जो स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा आप उसको, अगर ओपनिंग पेयर जो है वो जो पिछला सेल्बी और बर्न्स भी जाएंगे तो आप फिर क्या करेंगे, जिस तरह की वो कैंचियां डालते हैं वो आउट होंगे तो प्रेशर आएगा। थोड़ा सा इंग्लैंड को इसके ऊपर वर्क करना है। और पाकिस्तान ने अगर मैच जीतना है ठीक है, सारे रिलाई करेंगे जी स्पिनर्स नो, लेकिन नए बॉल पे कल आज पाकिस्तान को एक से दो, दो से तीन विकेटें चाहिए अगर पाकिस्तान ने उनको 150-160 में आउट करना है तो। बिल्कुल सही बात है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है स्पिन बॉलर का अपना रोल है, लेकिन ऊपर के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका, लेकिन सभी भाई आखिरी इनिंग्स है, मतलब चौथी इनिंग्स होगी, तो पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स ने चार यासिर शाह ने दो शादाब ने आउट किए हैं, दूसरी भी इनिंग्स थी जो इंग्लैंड की, तो चौथी इनिंग्स में तो लोग तवक्को कर रहे हैं ना कि वो ज्यादा आउट करेंगे। देखिये बिल्कुल तवक्को कर रहे हैं, कंडीशन जो है वो स्पिन बॉलिंग को फेवर कर रही है। इंग्लैंड जो है वो उन्होंने 219 किया 70 ओवर में, 21 ओवर की है, 18 ओवर की है यासिर शाह ने, 3 ओवर की है, 21 ओवरों में 6 आपने आउट किए हुए, इट मीन्स यू गॉट ए गुड चांस कि आपके स्पिनर्स जो है उसी को जब कैरी आगे लेके जाएंगे तो स्पिनर्स जो है वो आपके 6 ही आउट करेंगे या 7 आउट करेंगे, 2-3 विकेटें फिर भी आपके फास्ट बॉलरों ने लेनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस इनिंग्स के अंदर शाहीन शाह थोड़ा सा जो है ना वो ट्रम्प कार्ड होगा, वो आपको ऊपर से आउट करके देगा। और अब्बास ठीक है अब्बास, लेकिन अब अब्बास इस इनिंग में शायद उस तरह ना करे, लेकिन मुझे लगता है, मेरी फीलिंग है, फिर जो कप्तानी का रोल है जब आप देखें, अब आप छोटा टोटल जब आप डिफेंड करेंगे ठीक है, आप ये ना कहें कि जी 250 जो है ना बहुत बड़ा स्कोर है। यस जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पिच, हाँ जी, लेकिन आप इसमें ये रूल आउट ना करें कि इंग्लैंड के पास ऐसी बैटिंग है कि वो कोई भी एक बड़ा स्कोर करके और एक कोई भी अच्छी पार्टनरशिप पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर सकती है और पाकिस्तान से मैच ले भी सकती है। बिल्कुल सही बात है जी, पाकिस्तान ने अपनी गलती से एक जो एक उन्होंने एक बिल्कुल साइड पे लगाया था इंग्लैंड को, और 350-350 अगर पाकिस्तान का हो से टारगेट देते तो हम बड़े कंफर्टेबल होते, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने फैंस को अक्सर इस तरह की सूरत हाल में डालती है। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, लेकिन अभी काफी टफ सूरत हाल है और उनको बिल्कुल अपना बेस्ट देना होगा ये मैच जीतने के लिए। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।